तुला, वृश्चिक और धनु राशियों के जातकों को आज के दिन किस तरीके से खास उपाय करने हैं, क्या कुछ करना है जो उनके लिए सही होगा, क्या कुछ नहीं करना है, ये बताएंगी राखी जी। बिल्कुल, अगर हम सबसे पहले तुला राशि की बात करें तो हुए आपके लिए, तो वैसे धन्वंतरी देवता बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। आज तो आप बाजार चले जाइए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नवरत्न होते हैं। बाजार में आपको किसी भी सुनारे की दुकान पर मिलेंगे, एक छोटा सा कलश खरीदकर उसमें भरकर लेकर आकर इसे अपनी तिजोरी में छुपा दीजिए। इतना धन आएगा, रुके हुए सारे काम हो जाएंगे। और कुबेर देवता का अगर आशीर्वाद आज आपको चाहिए तो कुबेर देवता की मिट्टी की मूर्ति घर में लाकर स्थापित कीजिए और उसके सामने आप थोड़े से चावल भरकर एक कटोरी में रखिए, तो भी आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों को आज के दिन घर में क्या लेकर आना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। जैसे थोड़ी देर पहले मेरी दोस्त अभी नेहा जी बता रही थी कि एक चार मुखी दिया आपको घर के बाहर लगाना चाहिए। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है धनतेरस के दिन, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये जो दिया होता है ये यम को दिखाया जाता है, यम को दिया जाता है, यानी कि उनसे प्रार्थना की जाती है कि घर में सभी सदस्य सुख से रहें, स्वस्थ रहें और किसी को भी अकाल मृत्यु का भय ना सताए। तो ये चारमुखी दिया आपको तिल के तेल का भरना होता है और अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना होता है। घर के मुख्य द्वार पर तो रखना है, लेकिन इसका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ आपको करके रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के सभी सदस्य स्वस्थ भी रहेंगे और उन पर किसी प्रकार का संकट भी नहीं आएगा और अकाल मृत्यु जैसी परेशानी से भी मुक्ति रहेगी। अब मैं बात करूंगी तुला राशि वालों को क्या खरीद कर लाना चाहिए। तुला राशि वालों को घर के अंदर आपके लेकर आना है पायल। जी हाँ, चांदी की पायल आप ज़रूर खरीद के लाइए धनतेरस के दिन, जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगी, तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप खरीद भी सकते हैं। तो चांदी की पायल आपको तुला राशि वालों लेकर आनी है। तुला राशि के लिए अगर हम बात करें, अगर किसी भी पति पत्नी में किसी तरह का मतभेद चल रहा है और वो उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए तो वो गाय के देसी घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेशक आप गाय का देसी घी 50 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम लीजिए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए वो पिघलाएँ, लेकिन डायरेक्ट उसको गैस पे आँच पे नहीं आपने पिघलाना है, धूप में रख सकते हैं तो उसको पिघला के फिर शिवलिंग के अभिषेक कीजिए। आपके और आपकी पत्नी के बीच में या आपके पति और आपके बीच में सब संबंध बिल्कुल उचित हो जाएंगे। अगली राशि का रुख कर लेते हैं जो है कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि अगर आपकी बात की जाए, अगर आपको धन्वंतरी देवता का आशीर्वाद चाहिए तो आज आप पीतल का एक कलश खरीद कर लाएंगे और पीतल के इस कलश में गुड़ भरकर अपने घर की रसोई में रखेंगे। इससे आप पर धन धान्य की वर्षा तो होगी लेकिन आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपको कुबेर देवता का आशीर्वाद चाहिए तो कुबेर देवता कहते हैं कि आज आप अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सरसों का तेल उसका एक दीपक बनाकर दक्षिण की तरफ शाम के समय घर के बाहर जलाइए, इससे उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। और आप कुबेर देवता के सामने 11 रुपए रख दीजिए और इसे पूरे वर्ष खर्चिएगा मत, एक लाल कपड़े में बांध कर रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों को लेकर आने हैं तांबे का बर्तन। कोई भी तांबे का बर्तन ला सकते हैं, तांबे का लोटा ला सकते हैं, या आजकल मार्केट में बहुत ही सुंदर सुंदर शो पीसेज हैं जो कि तांबे के बने हुए होते हैं, वो आप ले सकते हैं, या फिर एक तांबे का कड़ा वो भी आप पहन सकते हैं अपने राइट हैंड में। तो ये आपको वृश्चिक राशि वालों ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों को धनतेरस वाले दिन बूंदी के लड्डुओं का दान करना चाहिए। उनको अपने घर वालों को, आस पड़ोस वालों को, किसी को भी बूंदी के लड्डू खिलाने चाहिए। बाहर मंदिर के बाहर जाएं, गरीब बच्चे हैं उनको बूंदी के लड्डू खिलाएं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, अगर धन्वंतरी देवता का आशीर्वाद आपको चाहिए तो आज आपको एक कलश खरीदना होगा। लेकिन अगर आपको खुश करना है कि आपको कुबेर देवता बेहद खुश हो जाएं तो आज उनके समक्ष एक शंख रख दीजिएगा, इससे वो बेहद ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि समुद्र मंथन के समय पर शंख भी निकला था, जिस हिसाब से वो लक्ष्मी जी का भाई है। धनु राशि वालों को क्या लेकर आना चाहिए। धनु राशि वालों को पीतल या सोने की कोई भी चीज़ घर में लेकर आनी चाहिए। धनु राशि वालों को इस दिन आटे में बेसन मिला के गोलियां बना के मछलियों को खिलानी चाहिए, जिनसे कि उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।